और पुतिन ने कीव पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी कर दी है। पुतिन ने ड्रोन का भी इस्तेमाल यहां पर किया है। पुतिन ने क्रूज मिसाइल भी फायर की। ये सब पुतिन ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें जेलेंस्की के पास बहुत ही खतरनाक हथियार के बारे में पता चल गया है। अब पुतिन इन हमलों के जरिए ये देखना चाहते हैं कि जेलेंस्की का जवाब कैसा होगा। जो लोग महायुद्ध में रूस की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं उन्हें कीव पर अटैक की नई तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। कीव के किले को जेलेंस्की के बंकर समेत टारगेट किया जा रहा है। कीव को कब्रिस्तान में बदलने के लिए रातों दिन हमले हो रहे हैं, जिन्होंने बखमूत के विनाश की तस्वीरें देखी हैं, जिन्हें कीव पर हमले की रफ्तार उसकी फोर्स समझ में आएगी तो अचंभे में पड़ जाएंगे। पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण नाश की कैसी स्क्रिप्ट तैयार किए बैठे हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि पुतिन नेटो के हथियारों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, उन्हें कीव पर हमले की इनसाइड स्टोरी समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमला सिर्फ कीव को जलाने के लिए नहीं किया गया, ये हमला जेलेंस्की के मिसाइल गोदाम को खाली करने के लिए भी किया गया है। कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 15 महीनों के युद्ध में कीव पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के कम से कम 40 ड्रोन एक रात में मार गिराए। सोचिए, एक रात में कीव पर पुतिन ने कितने ड्रोन हमले किए होंगे। रूस की सरकार ने इसका कोई सरकारी आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन कीव पर ताजा हमले बता रहे हैं कि बखमूत की जीत के बाद रूस के जनरलों में नया जोश भर गया है, इतना कि सीधे कीव को ही उड़ाकर जेलेंस्की को घुटने के बल चलने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 जख्मी है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको के मुताबिक विस्फोटों ने यूक्रेन की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। जानकारी स्पष्ट की जा रही है, विवरण बाद में। क्षेत्र में विमान रोधी रक्षा काम कर रही है, वहां लक्ष्य कम किए गए हैं। आपको याद होगा कि युद्ध के शुरुआती दौर में यानी पिछले साल मार्च के शुरू होते ही कीव को किस तरह से रूस की आर्मी ने घेर लिया था। खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरव की आर्मी ने कीव की कील हिला दी थी, लेकिन यूक्रेन की आजादी के प्रति कीव की चूल नहीं हिला सके और रूस की आर्मी पूर्वी यूक्रेन की ओर कूच कर गई। अब एक बार फिर से कीव पर हमले हो रहे हैं, जबरदस्त, इतने घातक कि जब तक कीव में तैनात अमेरिका वाला एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो तब तक कीव की जमीन बारूद से धुआं धुआं हो जाती है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। डोनेस्क, खेरसोन, लोहांस, सोलेदार, अवदीविका, बखमूत, रूस की सेना एक साथ कई मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है, लेकिन कीव के पास रूस की आर्मी का अभी कोई घेरा नहीं है। कीव को गिराने के लिए पुतिन इस वक्त सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आपको जरूर सुनना चाहिए। पुतिन के ताजा बयान में महायुद्ध के आगे की तस्वीर दिखती है। Надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации, в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Здесь необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, вооруженными силами и Росгвардией.
यूक्रेन युद्ध उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां नतीजा जल्दी नहीं निकला तो ये युद्ध मंथर गति का शिकार हो जाएगा, जिसकी आशंका जताई भी जा रही है कि ये युद्ध दशकों लंबा खिंच सकता है। लेकिन पुतिन के सामने मामला एकदम क्लियर दिख रहा है कि जहां जितने हथियार खर्च करने पड़े कीव का किला ध्वस्त करना है और वो भी जल्दी करना है। लिहाजा 15 महीनों में सबसे भयानक हमला की ऊपर होता है और इस हमले के लिए रणनीति के तहत सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं होता, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जवाब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अगर हम एक ड्रोन की कीमत $1,000 $80,000 मानेंगे तो 10,000 ड्रोन की कुल कीमत $10 मिलियन यानी लगभग 83 करोड़ ही होगी। ये आंकड़ा अभी भी रूस के Su-35 फाइटर जेट से कम है। इस फाइटर जेट की कीमत $85 मिलियन से अधिक है। ड्रोन का इस्तेमाल करने के पीछे रूस की रणनीति है कि कम दाम के हथियार से यूक्रेन का कीमती हथियार यानी मिसाइल नष्ट किया जाए। रूस ही नहीं, यूक्रेन भी यही स्ट्रेटजी अपना रहा है। पिक्चर क्लियर है कि युद्ध लो बजट चल रहा है। ब्रिटेन थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि रूस हर महीने यूक्रेन के 10,000 ड्रोन को अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से, जिसे रशियन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कहते हैं, उससे मार गिरा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की सेनाओं ने हर 10 किलोमीटर बाद एक सिस्टम लगा रखा है। ज्यादातर ये फ्रंट लाइन से 7 किलोमीटर दूर स्थित होती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अच्छे से काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अगर आसानी से समझना है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमलों को निष्क्रिय करने का एक सिस्टम है। ड्रोन इसके रेडार सिस्टम में आते हुए खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसी सिस्टम के तहत यूक्रेन भी रूस के ड्रोन को नष्ट करने का दावा कर रहा है, लेकिन दोनों देशों पर हजारों ड्रोन मारे जाने का असर ना के बराबर हो रहा है। रूस को ईरान से कामिकाजे ड्रोन की सप्लाई हो रही है तो यूक्रेन खुद भी सोवियत काल के ड्रोन मॉडिफाई कर उसका इस्तेमाल कर रहा है और बाकी जरूरत की पूर्ति नाटो कर रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन को इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Є санкції проти юридичних та фізичних осіб, більшість з них російські, які працюють на терор. Загалом 220 компаній та 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну, і особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі в інших країнах, але глобальний тиск отримують всі. Крок за кроком ми зберемо повні дані про всіх, хто працює на агресію. लंबे युद्धों में अक्सर होता है कि देश भारी भरकम हथियारों का खर्च लंबे वक्त तक नहीं उठा पाते और धीरे धीरे युद्ध के हथियार बदल जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यही हो रहा है। रूस ने ईरान से ड्रोन के समझौते किए हैं। रूस यूक्रेन वॉर में शाही ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया था। समझौते के तहत ईरान बड़े पैमाने पर रूस को ड्रोन भेज रहा है। ईरान का कामिकाजे ड्रोन बेहद सस्ता और खतरनाक है। पश्चिमी मीडिया की अगर माने तो ईरान ने रूस को अब तक 6,000 से ज्यादा अटैक ड्रोन दिए हैं। पुतिन कम खर्च का ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की की मिसाइलें इन ड्रोन्स को मारने में खर्च करवा रहे हैं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की के पास ऐसे हमलों का हल क्या है। इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस के लो बजट वॉर का जवाब ज़ेलेंस्की भी लो बजट वॉर से दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले कीव में तैनात सुरक्षा सिस्टम, जो अब तक रूस से राजधानी को बचाए हुए है, उसकी डिटेल देख लीजिए। कीव में इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात है। यूक्रेन के इसी पैट्रियट से रूस की हाइपरसोनिक गंजल मिसाइल को मारने का दावा भी किया गया है। इसके साथ ही कीव में इजराइल भी एक अचूक जैसा समझा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। जर्मनी का IRIS-T, पैट्रियट से पहले कीव में तैनात अमेरिका का हॉक डिफेंस सिस्टम, सोवियत काल का S-300 बक M-1 मीडियम रेंज एंटी एयर मिसाइल। इन एंटी एयर डिफेंस सिस्टम में से कुछ 90% तक ड्रोन या मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है, कोई 80%। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन इस वक्त खुद को बहुत महफूज कर चुका है। रूस की हाइपरसोनिक गंजल मिसाइल को पैट्रियट ने मार गिराया। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जा सकती।
लेकिन इतना तो तय है कि रूस से अब जो भी हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं उनमें कामयाब 40% से भी कम हो रहे हैं। जाहिर है ज़ेलेंस्की ने रूस के ड्रोन और मिसाइलों की काट निकाल ली है। ज़ेलेंस्की इन्हीं हथियारों के भरोसे रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं, जो शुरू भी हो चुका है। यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर घुसकर हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के ड्रोन ने डुजबा तेल पाइपलाइन पर हमला किया। ये पाइपलाइन विश्व की सबसे चौड़ी और लंबी पाइपलाइनों में से एक है। इस पाइपलाइन से साइबेरिया से यूरोप के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। सोवियत संघ के समय के इस पाइपलाइन से रोजाना 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल की सप्लाई की जा सकती है। जिस स्थान पर पाइपलाइन पर हमला हुआ वहां से यूक्रेन सीमा करीब 500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन रूस के भीतर हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के क्रेमलिन आवास के नजदीक तक यूक्रेन ने हमलावर ड्रोन को भेजा था, जिसे रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमलों में तेजी आई है। 24 घंटों में यूक्रेन के 12 ड्रोन मार गिराए गए हैं और 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल आकाश में ही नष्ट कर दी गई है। रूस जितना चाहे ज़ेलेंस्की के हथियारों को नष्ट करे, नाटो और अमेरिका से हथियारों की बरसात ज़ेलेंस्की को झुकने नहीं देगी। अमेरिका ने इसी महीने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 10,000 करोड़ का पैकेज देने जा रहा है। ये पैकेज यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को और पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुतिन की यही चिंता है जो बढ़ती ही जा रही है, लिहाजा पुतिन नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तो कम पैसे वाला ड्रोन का इस्तेमाल और दूसरा युद्ध के बीच सैनिकों का पुनर्गठन कर उन्हें थोड़ी सी मोहलत देकर फिर से मोर्चे पर लगाना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेना कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र के नजदीक का माहौल खराब कर रही है और वो वहां पर भड़कावे वाली हरकतें कर रही है। रूस की सेनाएं यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र पर हमला करेंगी और इसके बाद रेडियोधर्मी पदार्थ लीक होने की जानकारी देंगी ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हो जाए। ऐसा रूस युद्ध पर विराम लगाने के लिए करेगा ताकि उसकी सेनाओं को पलटवार करने से पहले मोहलत मिल जाए, जिसकी उसे फिर से संगठित होने के लिए जरूरत है। पुतिन को जीत हासिल करनी है तो रणनीति बदलनी ही होगी और ज़ेलेंस्की को अगर हार नहीं देखनी होगी तो काउंटर अटैक करना ही होगा। इस बीच सवाल है कीव का, जिसे गिराने के लिए रात भर बमों की पुतिन ने बारिश की, लेकिन कीव अब भी झुका नहीं है। ज़ेलेंस्की का बंकर अब भी रूस के तोपखाने से कोसों दूर है। बड़े धमाके सुने गए हैं। इन धमाकों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। कीव में हुए धमाके में पुतिन का सबसे खतरनाक रूप दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन जून में ऐसा क्या है जो इसे मई महीने में ही लॉन्च कर दिया गया? सवाल ये भी है कि क्या जून के महीने में इससे भी खतरनाक हमला होने वाला है? किसके बम में है कितना दम? ये ज़ेलेंस्की के धमाके बनाम पुतिन के धमाके का नया मुकाबला है। एक एक तस्वीर में इतनी आग और तबाही है जिसे देखकर यूक्रेन के युद्ध की परिभाषा लिखी जा सकती है। रिहायशी इमारतों पर हमला, कारखानों पर अटैक, रूस के जंगी जहाज पर ड्रोन बोट से हमला और रूस का काउंटर अटैक। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, किसके बम में कितना दम? दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन असली मुकाबला तो पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद का है। और इन सबके बीच यूक्रेन और रूस के बीच स्ट्राइक वर्सेस काउंटर स्ट्राइक का खेल तेज हो गया है। No! No!
किसका निशाना सटीक लगा, कौन चूक गया, लाखों और करोड़ों रुपए के बम कैसे तबाही मचा रहे हैं, इसका एक बड़ा ट्रेलर हैरान कर देगा। किसके बम में कितना दम है, कौन किस पर भारी है, आप इसे यूक्रेन के युद्ध में 24 घंटे के अंदर हुआ बारूद का सबसे बड़ा शो कह सकते हैं, जिसकी आग में यूक्रेन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यह नीप्रो पर हुई बमबारी की तस्वीर है, ऐसी आग, इमारत का ऐसे ढह जाना, इन तस्वीरों को देखकर जेलेंस्की इसके आदी हो चुके हैं। जेलेंस्की अब तबाही देखकर बता सकते हैं कि पुतिन ने कौन सा बम गिराया है, कौन सी मिसाइल दागी है और इस हमले में किस तरह के फाइटर जेट या फिर कितनी बड़ी तोप का इस्तेमाल किया गया है। ये नीप्रो में एक बड़े क्लिनिक की इमारत बताई जा रही है, जहां रूस की बमबारी ने बहुत खून बहाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेलेंस्की ने भी एक बड़ा धमाका किया। ये डोनेस्क में रूस के कब्जे वाला इलाका है और जेलेंस्की की बमबारी ने बड़ी दहशत मचा दी। एक बार फिर देखिए कैसे धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लग रहा था कि अगला गोला जल्दी गिरने वाला है, जान बचाना जरूरी है। अगले धमाके के खतरे को देखते हुए लोग जमीन पर लेट गए, बहुत से लोग भागने लगे। ये वीडियो बनाने वाला शख्स एक बेसमेंट में चला गया ताकि बमबारी से किसी तरह जान बच जाए। ये हमला डोनेस्क के एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हुआ, इस इमारत को खास तौर से टारगेट किया गया। डोनेस्क पर ऐसे ही हमलों ने पुतिन के गुस्से को और बढ़ा दिया है, तभी नीप्रो जैसे हमले और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की के तेवर ने बता दिया है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन मिटेगा नहीं, यूक्रेन बदला जरूर लेगा। और इस बीच दिल्ली के पास नोएडा में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या दूर नहीं हो रही है तो ईपीएफओ आपके लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जहां ईपीएफ से जुड़ी आपकी हर समस्या को दूर किया जाएगा। नोएडा में 29 मई को निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें ईपीएफओ से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, साथ साथ भविष्य निधि के दावों का भुगतान भी किया जा सकेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, अगर आपके ईपीएफओ खाते से जुड़ी कोई दिक्कत है तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। 29 मई को सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम होना है। इसके अलावा आपको बताएं, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला